काशीपुर में आप इतने सालों से रहते हैं, आप ये बताइए कि तो हमारा विधायक कैसा होना चाहिए? नमस्कार सर, पहले बाल की खाल से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो विधायक होना चाहिए उसकी एक सोच ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल डिफरेंट, जिन चीज़ों के मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं उनसे कि किस तरीके से हमारा समाज, हमारा यहाँ का क्षेत्र, हमारा देश जो हमें प्रॉब्लम हैं वो उनको सॉर्ट आउट करे। ये नहीं कि जिस समय उनको मतदान के दौरान जो हमसे वादे किए जाते हैं उन वादों पर वो बाद में अमल करें, उनकी सोच एक ऐसी हो कि हमें उस समय कुछ बताया जाए और बाद में हमें कुछ कहा जाए। हमारी सोच ये है कि एक ऐसा विधायक आना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के बारे में सोचे बगैर उसके अलावा अदर जो उसके निकट हमारे क्षेत्र आते हैं उनके बारे में भी कुछ वो हम लोगों से डिस्कस करें। अच्छा महेंद्र जी, ये बताइए कि आपको काशीपुर की मुख्य समस्या कौन सी लगती है, तीन, जो जीतने वाले विधायक को सबसे पहले पूरी करनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या हमारे काशीपुर की तो आपका एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं मानता हूँ वो है ट्रैफिक। काशीपुर के अंदर जितना बड़ा ट्रैफिक मैं मानता हूँ दिल्ली से भी ज़्यादा ट्रैफिक काशीपुर के अंदर है। प्रॉब्लम एक यहाँ के पब्लिक के साथ भी है कि उनके चलने का तरीका ही बहुत अलग है, रॉन्ग साइड से जाना आना, बीच बीच में डिवाइडरों से निकलना, ठीक है ना, कोई इंडिकेशन। दूसरी समस्या यहाँ ये है कि आपका जो सड़कें टूटी हुई हैं, चलिए वो तो टूटी गई हैं, जो बनी हुई सड़कें हैं उनको भी तोड़ के रख दे रहे हैं। उसके बाद वो बनने के नाम पर, तो मैं तो मानता हूँ कि अभी आप PNB यहाँ पर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के बराबर में एक सड़क थी जितना भी ठीक ठाक थी, उसको तोड़ने के बाद वो आज तक नहीं बन पाई है। वो गड्ढा मैं कम से कम मुझे 6 साल हो गए, 6 साल से मैं वैसे ही देख रहा हूँ गड्ढा, कितनी बार तो मैं गिरते गिरते उस गड्ढे में बचाऊँ, ठीक है। तीसरी समस्या मैं सिर्फ काशीपुर की नहीं पूरे उत्तराखंड की बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या है हमारे उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी। अब वो बेरोजगारी क्यों है, उत्तराखंड में जो आपके इधर पहाड़ के साइड के वो हुए इलाके हुए, वहाँ जो है आपका सुख सुविधाएँ जिन्हें हम क्या बोलते हैं मानव के लिए वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आदमी का पैसा है तो वहाँ रह सकता, अगर नहीं है तो उसे बाहर आके नौकरी करनी पड़ती है। कुछ ऐसा करा जाए, हमारा विधायक कुछ इस तरीके का हो कि वो हमारे लिए कुछ ऐसे क्या कहते हैं हम उनको, आपका स्टेप ले कुछ ऐसे बिजनेस वहाँ डेवलपमेंट कराए जिससे हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और अपने शहर में हम रोजगार प्राप्त कर सकें। तो महेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।